नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह मान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी, पानीपत, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। आज उसे टेलीकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान विषय पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत जो आपका आपकी पाठ्य पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, उसका चौथा अध्याय अर्थात सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय विषय पर चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय भाग एक हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम सामाजिक न्याय भाग दो के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो व्याख्यान रहेगा वो न्याय के विभिन्न पक्ष के बारे में और रोल्स का, जो अज्ञानता का आवरण सिद्धांत है, उसके संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है आपको इस पाठ का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करवाना है, जिस तरह से सामाजिक न्याय भाग एक का मुख्य उद्देश्य था। उसी के साथ साथ में इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य यह भी रहेगा कि आप सामाजिक न्याय की अच्छे से जानकारी ले सके और सामाजिक जीवन में आप दूसरों के साथ न्याय कर सके और दूसरों से स्वयं के लिए भी न्याय की मांग कर सके, न्याय ले सके। यह भी हमारे इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य रहेगा। आज के व्याख्यान का जो क्षेत्र रहेगा, जिनमें हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, वो इस तरह से है। सबसे पहले हम न्याय के पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें वैधानिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। उसके साथ साथ में हम सामाजिक न्याय का जो रोल्स का सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और सामाजिक न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय को देने की और न्याय को देने की मुख्य जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की है और सर्वोच्च न्यायालय का लोगो जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय जिसके ऊपर न्याय करने की जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, हमने भाग एक पढ़ा और सामाजिक न्याय भाग एक के अंदर हमने उसके अर्थ को अच्छे से समझने का प्रयास किया और उसके आधार पर हम कह सकते हैं, भाग एक के आधार पर, कि सबको उनका हिस्सा मिले वो सामाजिक न्याय है। उसके अतिरिक्त जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, रंग रूप के आधार पर भेदभाव न किया जाए किसी के साथ, वह सामाजिक न्याय है। योग्यता, कौशल, मेहनत, काम की कठिनता के आधार पर सबको उनका वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए, वह सामाजिक न्याय है। विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों को बराबरी पर लाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, वह भी सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय के अर्थ में हमने ये सब जानकारी ली थी पिछले व्याख्यान के अंदर और अभी हम बात करेंगे न्याय के पक्ष के बारे में। कौन कौन से पक्ष? वैधानिक पक्ष, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय अर्थात आर्थिक पक्ष न्याय का। आप एक न्याय की प्रतिमूर्ति देख रहे हैं, एक स्टैचू देख रहे हैं जो अक्सर न्यायालयों के अंदर स्थापित मिलती है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और हाथ में तराजू है न्याय के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, अभी अभी हमने बात की थी कि विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखा जाए, विशेष सुविधाएं दी जाए। जिस तरह से हमने जो आंखों से दृष्टिहीन विद्यार्थी था उसके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षा के लिए दिया था, वैसे ही समाज के विशेष वर्ग के कुछ कमजोर तबके के लोगों को विशेष सुविधाएं दे करके समाज में बराबरी पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और ये कार्य किसका है, कौन करता है? ये न्यायपालिका का है। और न्यायपालिका सबको अगर एक समान देखेगी, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी, तो जो विशेष जरूरतें हैं उसका पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये दृष्टिहीन विद्यार्थी है, इसको अतिरिक्त समय की आवश्यकता है? और विशेष जरूरतों को देखने के लिए हमें आंखों से पट्टी को खोलना होगा ताकि समाज में न्याय की स्थापना की जा सके, एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम बात करते हैं न्याय का सबसे पहला जो वैधानिक पक्ष है अर्थात वैधानिक न्याय। वैधानिक न्याय का मुख्य अर्थ कानून के अनुसार न्याय है।
इस धारणा में कानून का वैध या न्याय संगत होना आवश्यक नहीं है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार कानून अगर न्याय संगत होगा तो वह कानून बिना शक्ति के भी लागू किया जा सकता है, और अगर न्याय संगत नहीं होगा तो सरकार को किसी भी कानून को लागू करने में बड़ी कठिनाई आती है। आजकल लोकतांत्रिक सरकारें हैं और लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर वोट के माध्यम से, मतों के माध्यम से सरकार बनती है, संस्थाएं बनती हैं। तो जब वोट के माध्यम से सरकार बनती है और वो सरकार अगर इस तरह का कानून पास करेगी जो जनता के अनुसार वो सही नहीं है, न्याय संगत जनता को नहीं लगता है, तो जनता उसका विरोध करके आने वाले चुनाव के अंदर उसके विपक्ष में वोट दे करके उस सरकार को हरा सकती है। तो इसलिए कुछ व्यक्तियों का मत ये है कि न्याय संगत होना चाहिए कानून। कानून न्याय संगत होगा तो सहर्ष खुशी खुशी जनता उसको अपने ऊपर लागू करती है, उसकी पालना करती है। लेकिन अगर कानून न्याय संगत नहीं होगा, किसी विशेष व्यक्तियों के लिए अगर कानून बनाए जाएंगे तो उन कानूनों को जनता स्वीकार नहीं करती और उनको लागू करने में सरकार को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, सरकार बहुत आसानी से उनको लागू नहीं कर सकती। तो इसलिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें हैं, अगर तानाशाही सरकार होती तो कोई भी कानून हो उसका वैध और अवैध होने का मतलब ही नहीं होता। कानून है और वो होता तो वैध ही है, जनता उसका साथ दे, जनता के पक्ष में है, विपक्ष में उससे कोई लेना देना नहीं होता तानाशाही सरकारों के अंदर। लेकिन जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जहां जनता की वोटों के माध्यम से सरकारें बनती हैं, निसंदेह वहां पर कानून का न्याय संगत होना आवश्यक है। अगर कानून न्याय संगत होगा तो जनता उसको, सरकार को उसको लागू करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, आसानी से वो लागू हो सकते हैं। अगर न्याय संगत नहीं होगा तो उसको लागू करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका सीधा सा अर्थ, प्यारे बच्चों, ये है कि कानून के अनुसार जो है तो वो न्याय है और जो कानून के अनुसार नहीं है तो वो अन्याय है। अर्थात कानून से ही देखना है न्याय और अन्याय को। कानून संगत है, कानून के अनुसार है तो क्या है, न्याय। और जो कानून के अनुसार नहीं है, जो गैर कानूनी है, तो वो क्या है, वो अन्याय है। कानून न्याय संगत है कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है इसमें, बल्कि सरल से शब्दों में हम कह सकते हैं कि कानून के अनुसार है वो न्याय है और जो कानून के अनुसार नहीं है वो अन्याय है। वैधानिक न्याय की कुछ अन्य शर्तें हैं जो इस तरीके से हैं। कानूनों का न्यायपूर्ण होना आवश्यक है। हम पहले भी बात कर रहे थे कि कानून अगर न्यायपूर्ण होंगे तो जनता सहर्ष उनको स्वीकार कर लेगी, उनकी पालना करेगी, वो आसानी से लागू हो सकते हैं। और कानून अगर न्यायपूर्ण नहीं होंगे तो वो जनता उनका विरोध करेगी। जबरदस्ती लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर बहुत ज्यादा जनता के साथ नहीं की जा सकती, एक लिमिट में की जा सकती है। जबरदस्ती करने की भी कुछ सीमाएं होती हैं, शक्ति का प्रयोग करने की भी कुछ सीमाएं होती हैं लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर। तो इसलिए शक्ति का प्रयोग करके किसी भी कानून को लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कानूनों का न्यायपूर्ण होना बहुत जरूरी है। और न्यायपूर्ण कानून वो होता है जो किसी के भी विरोध में ना हो, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना खड़ी करे, किसी को समस्या किसी के लिए पैदा ना करे कोई भी कानून। कानून ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून ऐसा हो जो पूरे देश की और पूरे समाज की भलाई के लिए बनाए जाए। तो उस तरह के कानूनों को सहर्ष लागू किया जाता है, जनता के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसलिए कानूनों का न्यायपूर्ण होना जरूरी है। हालांकि विधान पालिका के पास शक्तियां होती हैं, संसद के पास शक्तियां होती हैं, वो कोई भी कानून बना सकती है, जनता उनका उनको लागू करना जनता को उनकी अनुपालना करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर कानून का न्यायपूर्ण होना आवश्यक है। कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा। कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, कानून के सामने सभी एक समान हो, कानून के सामने किसी प्रकार की ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, किसी ग्रामीण शहरी का भेदभाव ना हो, किसी अमीर और गरीब का भेदभाव ना हो। कानून के समक्ष सभी एक समान होने चाहिए और कानून सबको समान सुरक्षा दे, समान संरक्षण दे। किसी को कष्ट है, किसी को परेशानी है, तो वो कानून का सहारा लेकर के न्यायपालिका की शरण में जा सकता है और न्यायपालिका से उस कानून के मार्फत जो है उसको सुरक्षा मिले, उसको संरक्षण मिले, उसका उसकी देखभाल हो और उसको न्याय मिले।
तो इसलिए कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए और कानून के की समान सुरक्षा भी होनी चाहिए, सभी के ऊपर कानून लागू होना चाहिए। किसी गरीब आदमी ने जो अपराध किया है, एक अमीर आदमी ने वही अपराध किया है, तो दोनों को एक समान सजा मिलनी चाहिए। ऐसा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि अमीर आदमी पैसे के दम पर ऊपर से ऊपर न्यायालयों में जा करके, न्यायालयों के कमजोरी का फायदा उठा करके, कानूनों से तोड़ मरोड़ करवा करके, वो जो है किसी तरह से कानून की नजर से बच निकले। और गरीब आदमी के पास क्योंकि बहुत ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं, और उसको पकड़ करके जेल की कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाए और उसकी किसी प्रकार की सुनवाई ना हो, जबकि अपराध तो दोनों ने एक ही किया है, एक जैसा अपराध किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, गरीब और अमीर के लिए भी। उच्च वर्ग जो निम्न वर्ग है, समाज का निम्न हिस्सा है या ऊपरी हिस्सा है, सबके लिए एक समान होना चाहिए, कानून के समक्ष सभी समान हो। समान वैधानिक प्रणाली होनी चाहिए, कानून लागू करने वाली जो प्रणाली है, जो संस्थाएं हैं, वो एक समान रूप से सबके ऊपर लागू की जाए, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ये भी आवश्यक है सामाजिक वैधानिक न्याय के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बहुत आवश्यक है मितव्ययी न्याय व्यवस्था। हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर कानून व्यवस्था बहुत खर्चीली होगी तो गरीब आदमी को न्याय की उम्मीद नहीं है, कहाँ से वो न्याय ले सकता है? अगर बहुत ज्यादा न्याय पाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बहुत महंगी वकीलों की फीस देनी होगी, बहुत महंगी जो है न्यायपालिका की फीस जमा करवानी होगी, तो ऐसे में गरीब आदमी तो न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। गरीब आदमी को न्याय तब मिल सकता है जब न्याय जो है बहुत कम खर्चे पर उपलब्ध हो, और उतना खर्चा भी गरीब आदमी कर सके, इतना सक्षम हो गरीब से गरीब आदमी के न्याय के लिए वो न्यायालयों में जा सके, उनके खर्चे वहन कर सके, वकीलों के खर्चे वहन सके कर सके। तो इसलिए जो न्याय प्रणाली है वो मितव्ययी होनी चाहिए। अगर वो बहुत खर्चीली है, फिर तो गरीब आदमी को तो न्याय मिलेगा नहीं, हमेशा अमीर आदमी के पक्ष में ही फैसले होंगे। अमीर आदमी के पक्ष में फैसले होंगे तो वो क्या न्याय हुआ? न्याय की वास्तव में आवश्यकता अगर किसी को है तो वो गरीब आदमी को है। गरीब आदमी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय की संभावना रहती है समाज के अंदर, और गरीब आदमी के साथ अन्याय होगा, और गरीब आदमी के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो जाकर के कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर जाकर के अपने दुख दर्द को जो सुना सके और अपने लिए न्याय की मांग कर सके। तो इसलिए न्याय प्रणाली का मितव्ययी होना आवश्यक है, कम खर्चे में न्याय सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए सरलता से। कुशल और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका कुशल भी हो, सक्षम भी हो, स्वतंत्र भी हो, निष्पक्ष भी हो, ये भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि भाग एक में हम बात कर रहे थे कि भगवान के बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास जनता को होता है तो वो न्यायपालिका पर होता है। और गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय में जाकर के वो न्याय की मांग कर सकता है, और उसको न्याय मिले। और न्याय कब मिलेगा? वो तब मिलेगा जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, उस पर किसी प्रकार का दबाव प्रभाव नहीं होगा, किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं होंगे, और वो कुशल भी होगी पूरे तरीके से, तब जाकर के गरीब आदमी को न्याय मिलने की संभावना रहेगी। तो इसलिए कुशल, स्वतंत्र, निष्पक्ष न्यायपालिका होनी बहुत आवश्यक है न्याय के लिए, वैधानिक न्याय के लिए। क्योंकि कानूनों को लागू तो कार्यपालिका ने करना है, बनाना विधान पालिका ने है, लेकिन कानून वो गरीब आदमियों को किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं है उन कानूनों से, वो कानून किसी विशेष वर्ग या विशेष लोगों के लिए तो नहीं बनाया गया है। किस तरीके से वो कानून बना है, उन सब की वैधता और अवैधता के संदर्भ में जो फैसला है वो न्यायपालिका ही करती है। तो इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का सीधा सा अर्थ है समाज के अंदर जितने व्यक्ति रहते हैं उन सब के साथ न्याय हो, सब एक समान हो, वहां पर ऊंच नीच नाम की कोई चीज समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय किसी भी देश में रह रहे व्यक्तियों से जन्म, जाति, धर्म, लिंग, अक्षेत्र, नस्ल,
आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक समान हो, तभी जाकर के उसको सामाजिक न्याय कहेंगे। किसी भी विशेष वर्ग के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, सरल शब्दों में समाज के अंदर, वो सामाजिक न्याय है। जहां पर ऊंच नीच है समाज के अंदर, वहां पर सामाजिक न्याय नहीं है। तो जितनी जल्दी हो उसके सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए ऊंच और नीच को हमें समाप्त कर देना चाहिए, ताकि समाज में सब बराबरी पर रह आकर के अपना जीवन बसर कर सके। इस व्यक्ति को देख करके लगता है कि ये क्या, इसको सामाजिक न्याय मिला होगा क्या, इसमें समाज में बराबरी का दर्जा मिला होगा इस व्यक्ति को? तो इसलिए सामाजिक न्याय के लिए जो मुख्य शर्तें हैं वो इस तरह से हैं कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं, कानून के समक्ष तो समानता है। भारत का संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से कि कानून सबके लिए एक समान है, कानून ने सबको समान संरक्षण दिया है। आर्टिकल 14 के अंदर भी इस तरह का प्रावधान है, कानून के सामने सभी एक समान है, समानता का अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में किया गया है, कोई छुआछात नहीं होगी, छुआछात की समाप्ति कर दी गई है। वो किस लिए की गई है? वो जो है ताकि सभी एक समान हो, कानून किसी के साथ भेदभाव ना करे, कानून के सामने सभी समान है। जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर कानून भेदभाव ना करे किसी के साथ। तो इसलिए कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। विशेषाधिकारों की समाप्ति हो, किसी व्यक्ति को अमीर होने के कारण विशेषाधिकार प्राप्त है, किसी व्यक्ति को किसी विशेष बड़े घराने में पैदा होने के कारण विशेषाधिकार प्राप्त है, या किसी जाति के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है, किसी धर्म के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है, किसी क्षेत्र के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है, ये सारे के सारे विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति है, वो समाज का एक हिस्सा है, समाज का हिस्सा होने के कारण सभी व्यक्ति एक समान होने चाहिए। वही तो सामाजिक न्याय है। जिसमें विशेषाधिकार होगा तो विशेष अधिकार का प्रयोग करके वो दूसरों पर अत्याचार करेगा, न्याय करेगा, तो वहां कहाँ है सामाजिक न्याय? वहां तो सामाजिक न्याय हो ही नहीं सकता जहां पर विशेषाधिकार होंगे। तो इसलिए विशेषाधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए ताकि सबको न्याय मिल सके। जाति प्रथा का अंत होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप भी समाज के अंदर रहते हैं, आप इस बात को बखूबी समझते और जानते हैं कि जाति प्रथा जो है वो समाज में ऊंच नीच को बढ़ावा देती है, और जहां पर ऊंच नीच होगी समाज के अंदर, वो सामाजिक न्याय की हम बात कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं है, वास्तविकता है ये। सामाजिक न्याय तो उसी को कहेंगे ना जिसमें किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं होगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, समाज के जितने व्यक्ति हैं वो सभी एक समान रूप से रहते होंगे। अभी हम बात करते हैं विशेष अधिकार, किसी विशेष क्षेत्र जाति आदि के आधार पर नहीं मिलना चाहिए किसी को। तो इसलिए जाति प्रथा का जितनी जल्दी हो सके अंत होना चाहिए, ताकि समाज के अंदर न्याय की स्थापना की जा सके, समाज के अंदर सभी व्यक्ति एक समान रह सके। तो इसलिए जाति प्रथा का अंत होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो समाज का निचला वर्ग है, जो समाज का ऐसा वर्ग है जो शिक्षा से वंचित है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, जो रोटी कपड़ा मकान की जो गुणवत्ता जिसके पास अभी तक नहीं है, तो ऐसे पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि वो भी अच्छा जीवन बसर कर सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ले सके, रोजगार ले सके, और अपना जीवन यापन बड़े अच्छे तरीके से कर सके। उस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष कुछ सुविधाएं दी जा सकती है, चाहे शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के संदर्भ में, चाहे नौकरियों के संदर्भ में, और चाहे अन्य सुविधाएं दे करके उनको आगे आने का सुअवसर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। और आर्थिक सुरक्षा देनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई भी विकास नहीं कर सकता, और जब विकास नहीं करेंगे गरीब आदमी तो वो कैसे सामाजिक न्याय की स्थापना कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे बराबरी कर पाएंगे? तो इसलिए बराबरी करने के लिए जरूरी है कि आर्थिक सुरक्षा मिले। आर्थिक सुरक्षा से मतलब है कि कोई विशेष परिस्थिति के अंदर, मान लीजिए घर के अंदर 5 सदस्य हैं, और घर का जो मुख्य कार्य करने वाला कर्ता धर्ता है, जो कमा करके परिवार का पालन पोषण करता है, उसकी अगर किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो उस संदर्भ में परिवार का क्या होगा?
तो कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको आर्थिक सुरक्षा कहेंगे। अपंग हो जाए तो उसको सरकार की तरफ से सुविधा मिले, सुरक्षा मिले, तो इस तरह से वृद्ध हो जाए तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इसलिए जो अपंग हो, वृद्ध हो, कमजोर हो, बीमार हो, या किसी परिवार के अंदर कोई बहुत ज्यादा इस तरह का कष्ट आए, तो उस परिस्थिति के अंदर उनकी आर्थिक सुरक्षा की जानी चाहिए। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में आर्थिक सुरक्षा की बात की है कि राजा का ये परम धर्म है कि वो गरीब आदमियों को, गरीब परिवारों को, अपंगों को, जो है वृद्धों को, और जो है विकलांगों को, और अन्य किसी प्रकार के जो व्यक्ति है समाज के अंदर कमजोर हैं, तो उनको विशेष आर्थिक सुविधा राजा के द्वारा दी जानी चाहिए। समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने चाहिए, प्रदान करना। राजनैतिक अधिकार सबको एक समान प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनैतिक अधिकार केवल अधिकार नहीं, वो शक्ति है। राजनीति ही शक्ति है, तो इसलिए समान राजनैतिक अधिकार सबको मिलने चाहिए। अगर गरीब आदमियों को भी समान राजनैतिक अधिकार मिलेंगे और वो भी चुनाव लड़ करके प्रतिनिधित्व करेंगे, तो अपने समाज का भला कर सकते हैं। तो इसलिए उनको भी ये अवसर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। राजनैतिक अधिकार मिलना केवल संविधान में प्रावधान कर देना, वो राजनैतिक अधिकार मिलना नहीं है। राजनैतिक अधिकार मिलना वो है कि राजनैतिक अधिकार मिलने के बाद वो उनका उपभोग भी कर सके, वो उनका प्रयोग भी कर सके, उनका लाभ भी उठा सके, वो है राजनीतिक अधिकार। इसलिए सबको राजनीतिक अधिकार समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए और अवसर भी मिलना चाहिए समान रूप से। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। ये एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें दो बच्चे हैं और वो समान आयु के हैं, एक समान एज ग्रुप है इनका, दोनों बच्चों की आयु एक समान है। इनको देख करके आपको क्या लगता है? दो बच्चे हैं, एक बच्चा तो लगता है अच्छा, खाते पीते घर का पता लगता है कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, और दूसरे बच्चे का भी पता लगता है कि इसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, पता लगता है ना। एक बच्चा जो जिसने टोपी पहन रखी है, मोटा ताजा है, वो संपन्न परिवार का है, उसके पास तो इतना कुछ है खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लाइफ को इतना कुछ है, वो सोचता है कि मैं क्या क्या खाऊं, मैं ये भी खा लेता हूँ, वो भी खा लेता हूँ, क्या क्या खाऊं। उसके पास खाने के लिए इतनी चीजें हैं, इंजॉय करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। और एक उसी के बगल में एक दूसरा बच्चा है, वो सोचता है कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि उसके पास तो खाने के लिए है ही नहीं कुछ, घास फूस खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, क्योंकि खाने के लिए है ही नहीं कुछ, क्या खाऊं। और दूसरा सोचता है कि मैं क्या क्या खाऊं, इतना सारा सामान खाने के लिए। तो ये जो है, ये क्या आर्थिक न्याय है? जी नहीं, ये आर्थिक न्याय नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपको लगता है कि ये न्याय होगा इस बच्चे के साथ जो कमजोर बच्चा है, जो गरीब परिवार से है? जी नहीं, ये न्याय नहीं हो सकता। मानव जीवन में आर्थिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खाना पीना, रहना सहना, पढ़ना लिखना, परिवार का आगे बढ़ना, सारी चीजें तो पैसे पर आधारित हैं। तो इसलिए आर्थिक न्याय से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, धन का न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए। क्या इस छोटे से बालक को आपको लगता है कि जीविकोपार्जन का के लिए समान अवसर उपलब्ध हुए होंगे? ये क्या बड़ा होगा, क्या जवान होगा, क्या मजबूत होगा, क्या कर पाएगा लाइफ में? तो इसलिए जीविकोपार्जन के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। कम से कम मूलभूत जरूरतें तो सभी की पूरी होनी चाहिए समाज के अंदर, वही तो आर्थिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय की कुछ व्यवस्थाएं हैं जो जिनके माध्यम से आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सकती है, लोगों को आर्थिक न्याय दिया जा सकता है। और सबसे पहले है काम का अधिकार। काम का अधिकार मिलना चाहिए। काम का अधिकार साम्यवादी समाजों के अंदर दिया जाता था, लेकिन आजकल जो है पुरुषों
पूंजीवादी समाजों ने भी अपने देशों के अंदर अपनी व्यवस्था के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, और कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत लोगों की मदद करना, लोगों को रोजगार देना भी एक राज्यों का और सरकारों का परम धर्म माना जाता है। तो इसलिए काम का अधिकार देना भी एक सरकार का कार्य है। आर्थिक न्याय अगर हमें देना है तो उसके लिए काम का अधिकार देना होगा। जो व्यक्ति काम करने लायक है, जो कुशल है, उसको अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो काम का अधिकार होना चाहिए, काम उसको मिलना चाहिए, ताकि वो काम करके अपने परिवार को चला सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे सके। तो इसलिए काम का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, और ये कर्तव्य जो है वो सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से इस तरह का कर सकती है। उसके अतिरिक्त उचित वेतन पाने का अधिकार होना चाहिए। केवल काम मिलना और काम के बदले में अगर ठीक से वेतन नहीं मिलता है, पगार नहीं मिलती है, मजदूरी नहीं मिलती है, तो मेहनतनामा नहीं मिलता है, तो फिर उस काम का भी कोई फायदा नहीं होता है। काम का फायदा तभी है ना जब उचित वेतन मिलेगा। और उचित वेतन कितना मिले? उतना तो कम से कम मिले कि वो अपने परिवार को चला सके। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 8-10 घंटे किसी व्यक्ति से काम करवाए और काम करवाने के बाद केवल उसको इतना मिले कि जो है वो शाम की 1 टाइम की रोटी खा सके, 2 टाइम की रोटी भी ना खा सके, 3 टाइम की रोटी भी ना खा सके। क्या वो न्याय हुआ? जी नहीं, वो न्याय नहीं है। कम से कम इतना तो उसको मिलना चाहिए कि वो अपने परिवार को चला सके, अपने परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सके, ठीक ठाक अपना जीवन बिता सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, बच्चों को पढ़ा सके, बच्चों के लिए कपड़े और ठीक ठाक से मकान की व्यवस्था कर सके। तो इतना तो वेतन मिलना चाहिए। तो इसलिए उचित वेतन पाने का भी अधिकार होना चाहिए। उसके साथ में अगर हम आर्थिक न्याय देना चाहते हैं तो आर्थिक सुरक्षा भी मिले, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे। आर्थिक सुरक्षा अर्थात बेसहारा हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, कमजोर हैं या अपंग हैं, ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा मिले, या किसी परिवार का कोई कमाने वाला जो मुख्य हाथ है अगर वो चला जाता है, वो कोई एक्सीडेंट में या किसी हादसे में किसी परिवार का मुखिया चला जाता है, तो ऐसे में परिवार कैसे चलेगा? उस परिवार की उस परिवार के बच्चों की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, अर्थात सरकार के द्वारा उनकी मदद की जाए, ताकि वह भी अपना जीवन ठीक से जी सके, जीवन यापन कर सके। और बड़ा महत्वपूर्ण आर्थिक न्याय के अंतर्गत धन का उचित वितरण है। धन के उचित वितरण से तात्पर्य है कि और अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंदर भी यही प्रावधान किया गया है कि अमीर और गरीब के बीच के जो अंतर है, जो खाई है, उसको कम करने का प्रयास सरकारें करेंगी। तो इसलिए धन का उचित वितरण हो, ताकि गरीब से गरीब आदमी की भी मूलभूत जरूरतें पूरी हों। वो अपनी सारी जरूरतें, चाहे शिक्षा की है, चाहे वो अपने परिवार के स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे वो ठीक ठाक से एक मकान बना करके, एक छत होनी चाहिए जिसके नीचे वो परिवार रह सके, झुग्गी झोपड़ियों में और बाहर खुले आसमान के नीचे, या चारपाई ऊपर लगा करके एक पन्नी के नीचे अगर कोई परिवार रह रहा है तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए अमीर और गरीब के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो समाज अलग ही समाज लगे, दो देश अलग ही देश लगे, कि एक अमीरों का समाज है और एक गरीबों का समाज है, बिल्कुल अलग अलग बटा हुआ ऐसा लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन दोनों के बीच की जो खाई है वो कम होनी चाहिए, वो इकट्ठे रहे, एक दूसरे की मदद करे। और धन का वितरण, अगर मान लीजिए अमीर आदमियों के पास ज्यादा धन है तो सरकार उनसे टैक्स के रूप में ज्यादा ले सकती है, और गरीब आदमियों को अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए, उनके परिवार को चलाने के लिए, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा देने के लिए गरीब आदमियों को मदद की जा सकती है, ताकि वो अच्छा भोजन कर सके, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, और वो अच्छे से रहेंगे तो कहीं ना कहीं पर उत्पादन में देश को उनका फायदा मिलेगा।
तो इसलिए धन का जो वितरण है वो उचित प्रकार से होना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, खाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होते चले जाएं और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होते चले जाएं। और इस तरह की अगर व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं पर कमी है, उस पर पुनर्चिंतन करने की आवश्यकता है। और गरीब आदमियों को भी अच्छा जीवन जीने का अधिकार है और उसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। श्रमिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके हितों की विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। कोरोना काल में काफी कष्ट मजदूरों को देखने को मिले, झेलने पड़े, तो इस तरह के नहीं होने चाहिए। मजदूरों के भी कुछ हक होने चाहिए, उनके भी हित होने चाहिए और उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। और उस रक्षा में सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो जो है श्रमिकों की रक्षा सरकार विशेष मदद करके कर सकती है। उसके अतिरिक्त राजनैतिक न्याय की बात करते हैं। राजनैतिक न्याय वास्तव में एक शक्ति है। तानाशाही शासन व्यवस्था में नागरिकों को राजनैतिक अधिकार नहीं मिलते, सीधी सी बात है। जो राजा अपनी तलवार के दम पर, अपनी शक्ति के दम पर सत्ता प्राप्त करता है वही राजा बना रहता है। और दूसरा राजा तभी बनेगा जब या तो उसका उसको मार देगा या उसको हरा देगा, तभी दूसरा राजा बनेगा। और दूसरा बनेगा वो भी तानाशाही बनेगा फिर। तो इसलिए तानाशाही व्यवस्था में नागरिकों से नहीं पूछा जाता, उसको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता। जबकि जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं वहां पर नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। वहां लोगों की मर्जी से शासन का संचालन होता है, लोगों की मर्जी से शासक बनते हैं वहां पर। तो राजनीतिक न्याय के लिए जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। कौन कौन से राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए? जैसे कि वोट का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपने बात करने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है। तो इसलिए न्यायपालिका के लिए निम्न व्यवस्थाएं हो सकती है। क्या क्या हो सकता है राजनैतिक न्याय के लिए? राजनैतिक न्याय के लिए प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, लोग वोट डाल करके सरकार बनाते हैं तो ही राजनैतिक अधिकार है। कोई व्यक्ति जो है कोई भी पद प्राप्त कर सकता है, कहीं पर भी नौकरी लग सकता है, कहीं पर भी एमएलए एमपी बन सकता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। तो वो कहां पर बन सकता है? जहां पर प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली होगी। और जहां पर तानाशाही शासन व्यवस्था होगी वहां पर तो राजनीतिक अधिकार होते ही नहीं, वो तो राजा ही की इच्छा पर आधारित होता है और वो राजा ही बनाता है सबको, जनता नहीं बनाती। जनता तभी बनाएगी जब प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली होगी, तो ही राजनीतिक न्याय मिल पाएगा। राजनीतिक अधिकारों का अस्तित्व हो, राजनीतिक अधिकार अस्तित्व में हो, लिखित में हो, होने भी चाहिए, संविधान के अंदर भी दिए गए हैं। लेकिन अगर वो राजनीतिक अधिकार लिखे हुए हैं, संविधान के अंदर भी हैं, उनका प्रावधान है, और वो राजनीतिक अधिकार लेने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो धन चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए, अगर वो नहीं है तो उन राजनीतिक अधिकार वो केवल लिखित में है, वो मिलते नहीं है लोगों को। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि राजनीतिक अधिकार केवल कागज के ऊपर लिखे हुए रखे न रह जाएं, प्रत्येक व्यक्ति उन अधिकारों का मजा ले सके, उन अधिकारों का उपभोग कर सके, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, अपने समाज का भला कर सके, अपने राष्ट्र का भला कर सके। तो इसलिए राजनीतिक अधिकार अस्तित्व में हो और वो व्यवहारिक रूप से सभी नागरिकों को मिले और सभी नागरिक उनका उपभोग कर सके, इस तरह के राजनीतिक अधिकार होने चाहिए। भेदभाव की मनाही हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भेदभाव होगा तो राजनीतिक समानता कहाँ रहेगी? राजनीतिक न्याय कहाँ रहेगा? कुछ लोगों को तो रोक दिया जाएगा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप वोट नहीं डाल सकते। अगर ऐसा होगा तो कहाँ राजनीतिक न्याय है? वो डालने से भी मना कर दिया जाएगा। तो इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार जो मिले उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा बीच बीच में अध्ययन भी करवाया जाना चाहिए कि कौन कौन लोग और कितने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और किन किन लोगों को आज तक राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हैं।
तो इसलिए इस तरह के अध्ययन करवाते हुए जिन लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हैं उनको राजनीतिक अधिकार मुहैया करवाए जाने चाहिए और उनके अधिकारों की सुरक्षा सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। और समाज के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए, उनके हितों की विशेष रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक लोग अगर इकट्ठे होकर के सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो ऐसे में संभावना ये रहती है कि कहीं समाज का जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक समाज है, क्या वो हिस्सा जो है किसी प्रकार से कष्ट में तो नहीं है, उनके जो अधिकार है उनकी अवहेलना तो नहीं हो रही है, वो उनके विशेष रूप से उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए और विशेष रूप से उनके हकों की सुरक्षा की जानी चाहिए। अभी प्रिय विद्यार्थियों, हम जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धांत, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जॉन रॉल्स की। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय को बहुत अच्छे से उन्होंने परिभाषित और स्पष्ट किया है तर्कसंगत तरीके से वितरणात्मक न्याय के माध्यम से। तो रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, यदि अब थोड़ी सी देर के लिए आप कल्पनाओं में चलिए प्यारे बच्चों, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस प्रकार के समाज को पसंद करोगे। आप को अगर एक छूट दे दी जाए कि आप कहां पर जन्म लेना चाहेंगे, किस परिवार में रहना चाहेंगे, आपकी छूट है, आप आजाद हैं उस बात के लिए, आप बता दीजिए कहां पर रहना चाहेंगे, किस परिवार में रहना चाहेंगे। निसंदेह आपका उत्तर यही होगा जो मेरा उत्तर है। और मेरा उत्तर क्या है, हम उस तरह के समाज में, उस तरह के परिवार में रहना चाहेंगे जहां सारी सुख सुविधाएं मिलती होंगी, नियम संगठन हमें विशेष सुविधा संपन्न स्थान दे, दूर से सलाम करें, नमस्ते करें, हम वहां रहना पसंद करेंगे। मोटे तौर पर हमारा उत्तर होगा हम वहां रहना पसंद करेंगे जहां धन दौलत हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, सुख सुविधाएं हो, समाज में बहुत ऊंचा दर्जा हो, बहुत बड़ी इज्जत हो, उस परिवार में रहना पसंद करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, हम सभी की यही राय है कि हम उसी समाज में रहना पसंद करेंगे। शायद किसी का भी उत्तर यह नहीं होगा कि मैं गरीब घर में पैदा होना चाहूंगा, उस घर में पैदा होना चाहूंगा जिसमें हमें 3 टाइम की रोटी, क्या 1 टाइम की भी रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। वंचित समुदाय में रहना पसंद करूंगा, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। निम्न जाति में रहना पसंद करूंगा जिसके साथ भेदभाव होता हो विभिन्न प्रकार का, क्या उस जाति में कोई रहना पसंद करेगा, नहीं। कौन क्या पसंद करेगा, रोल्स ने कहा है कि ऐसे में अगर मान लीजिए सभी व्यक्ति एक ही पसंद है और वो पसंद है कि सभी व्यक्ति ठाठ बाट से ऊंचे स्थान पर रहना चाहते हैं, समाज में ऊंचा दर्जा पाना चाहते हैं, विशेष सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं, गाड़ी नौकर चाकर सुख सुविधाएं धन दौलत सभी जो है बहुत ज्यादा सभी के पास होने चाहिए, तो सभी जब इस तरह की कल्पना करते हैं, इस तरह का समाज चाहते हैं और गरीब में कोई भी रहना नहीं चाहता, गरीब परिवार में कोई भी जन्म नहीं लेना चाहता, तो ऐसे में समाज कैसा हो इसके संबंध में सभी को अपना अपना भला सोचेंगे। फिर तो अपना अपना भला मैंने सोच लिया कि मैं उस घर में रहना चाहूंगा, दूसरे ने भी, आपने भी, सभी ने यही सोच लिया कि मैं उस घर में रहना चाहूंगा, सभी ने अपना अपना भला सोच लिया, और ऐसे में फिर समाज कैसा होगा, समाज और सामाजिक न्याय की बात कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, अपने अपने भले की बात करेंगे ना। मैं अपने भले की बात कर रहा हूं, आप अपने भले की बात करेंगे, आप अपने दोस्त के भी भले की बात नहीं करेंगे, आप अपने भले की बात करेंगे कि मैं इस तरह के परिवार में रहना चाहूंगा जहां पर सारी सुख सुविधाएं हों। और जब ऐसा होगा तो समाज की बात कौन करेगा, दूसरों की बात कौन करेगा, गरीबों की बात कौन करेगा, वंचितों की बात कौन करेगा, सभी अपना अपना भला सोचेंगे, अपने अपने बच्चों के लिए, अपने अपने परिवार के लिए सोचेंगे, दूसरों के लिए कोई भी नहीं सोचेगा, तो ऐसे में समाज का क्या होगा, क्या होगा सामाजिक न्याय का। तो प्रिय विद्यार्थियों, रॉल्स ने कहा है कि इसका एक ही समाधान है, और वो समाधान क्या है, अज्ञानता का आवरण। अज्ञानता का आवरण एक इस तरह का रास्ता है, और जॉन रॉल्स कहता है कि अब हमें नहीं पता, क्योंकि ये व्यवस्था तो लागू नहीं हो सकती कि एक दो धनाढ्य परिवार हैं सभी वहीं पर रहना पसंद करेंगे, तो वो भी धनी नहीं रहेगा अगर इतने सारे व्यक्ति वहां पर चले जाएंगे रहने के लिए, वो भी गरीब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या इस तरह की व्यवस्था हो सकती है कि सबको न्याय मिले,
गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है, सभी कहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, क्या कल्पना करते हैं, क्या सोचते हैं, उन सब चीजों से ऊपर उठ करके कोई इस तरह की भी सोचेगा कि जहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता है वो बचे ही ना, उनको इतनी सुख सुविधाएं मिल जाएं कि वो भी दूसरों के समान बढ़िया जीवन यापन कर पाए। तो इसलिए अज्ञानता का आवरण ये कहता है कि हमें पता नहीं है, हमें किसी प्रकार के मालूम नहीं है कि हमारा जन्म कहां पर होगा या हम किस समाज में रहेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है जिस प्रकार के से हमें डर लगता है उस वर्ग को समाप्त करके एक जैसी समानता लाई जा सकती है सभी में। भाई थोड़ी देर के लिए कल्पना कर सकते हैं, हम अमीर के घर में पैदा हो गए तो ठाट बाट, और ये भी तो विचार हमारे मन में आएगा कि एक गरीब झोपड़पट्टी में पैदा हो गए तो वहां पर रह करके हमारा जीवन कैसा होगा। तो हमें उससे सुख सुविधा की जो ख्याल है वो कमाएगा, और जो कष्ट दिख रहा है हमें अगर झोपड़पट्टी में कहीं पैदा हुआ जहां पर ना खाने को मिलेगा, ना रहने को मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी, ना स्वास्थ्य मिलेगा, किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं होगी, बहुत पीने के पानी की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था वहां पर नहीं होगी, तो अगर ऐसे में मेरा जन्म हुआ, अगर मुझे रहना पड़ा तो मेरे साथ क्या होगा, मैं तो नहीं रह पाऊंगा। तो ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में हमें यह करना है कि वो जो जिससे हमें डर लग रहा है, जो झोपड़पट्टी है, जो गरीब व्यक्ति है, उनको इतनी सुख सुविधाएं दे दें कि वो भी समाज में बराबरी पर आकर के खड़े हो जाएं। और उसके लिए क्या किया जा सकता है? कुछ अमीर से लेकर के कुछ गरीब की मदद की जा सकती है ताकि समाज के अंदर सभी एक समान रूप से अपना जीवन यापन कर सके। बिल्कुल एक समान भी नहीं, थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी जो समाज के निचले तबके का आदमी है उसका उसको भी अपनी मूलभूत जरूरतें तो वो कम से कम पूरी कर पाए, इस तरह का तो समाज होना ही चाहिए। तो इस तरह से एकमात्र रास्ता जो है जहां निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचा जा सकता है वो है अज्ञानता का आवरण। अज्ञानता के आवरण का मतलब है कि व्यक्ति को यह मालूम नहीं है कि वह किस किस्म के परिवार में जन्म लेंगे, अमीर में, गरीब में, ऊंच में, नीच में, सुविधा संपन्न में, सुविधा विहीन में। जब हम अज्ञान होंगे तो बुरी स्थिति से सोच विचार करके समाज के नियम और कानून बनाएंगे, और समाज के नियम और कानून कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे कि ना भाई, गरीबी बहुत बुरी चीज है, गरीबी नहीं रहनी चाहिए, इस तरह का समाज होना चाहिए हमारा। कम से कम सभी लोगों की ये जरूरतें तो कम से कम पूरी होनी चाहिए, जिसको हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। तो इसलिए अज्ञानता के आवरण में सभी ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां समग्र समाज के भलाई के लिए है, उनके लिए लाभप्रद हो, क्योंकि उनका समाज में कोई भी स्थान हो सकता है। यह नैतिकता का नहीं, विवेकशील चिंतन का परिणाम है। ये कोई दया नहीं कर रहे हैं उस समाज के ऊपर, ये हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ये तर्कसंगत बात है कि जो है हम कहीं पर भी रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये नैतिकता से जुड़ा हुआ ना धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न, ये प्रश्न जो है तर्कसंगत है, ये विवेकशील चिंतन है, और उसका परिणाम ये है कि समाज के अंदर कोई भी ऐसा दबा कुचला तबका नहीं रहना चाहिए, उनको भी ऊपर सरकार के द्वारा उठाया जाए, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं, इस तरह के कानून और नीतियां निर्मित की जाएं ताकि समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, सबकी भलाई के लिए वो बने। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय को हम अंतर्दृष्टि से अनुभव कर सकते हैं, आमतौर पर सब लोगों के साथ समान बर्ताव, सबको अपना अपना वाजिब हिस्सा मिले, विशेष जरूरत के लोगों का विशेष ख्याल रखा जाए, इसे सामाजिक न्याय कहा जाता है। और न्याय के वैधानिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पक्ष होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन में सामाजिक न्याय ज्यादा सुरक्षित रह सकता है। जॉन रोल्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? अज्ञानता का आवरण, जो समाज का, जो सामाजिक न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत है, सामाजिक न्याय का, अज्ञानता का आवरण में न्याय संगत नियम बनाए जा सकते हैं, उससे पूरे समाज के सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित होगी। पुनरावृत्ति के लिए कुछ प्रश्न पूछता हूँ, प्यारे बच्चों आप बताइए कि न्याय के कौन कौन से पक्ष माने जाते हैं? जी हाँ, वैधानिक न्याय, दूसरा राजनैतिक न्याय, तीसरा सामाजिक न्याय,
और चौथा आर्थिक न्याय। अभी गृह कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न नोट कीजिए। न्याय के कौन कौन से पक्ष होते हैं स्पष्ट करें। और प्रश्न नंबर दो है, जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करें। इन दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर नोट करके लिख करके अपने प्राध्यापक से चेक करवाइए। प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से सामाजिक न्याय के दोनों भागों को पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे और अपने साथ और समाज के साथ न्याय करेंगे। और सामाजिक न्याय के कुछ आपको जो पहले समझ थी उससे आपकी समझ और ज्यादा बड़ी होगी। आप न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अपना कार्य जो है वो करेंगे, अपने जीवन में न्याय दूसरों के साथ करेंगे और अपने लिए भी न्याय की मांग करेंगे। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।